नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एनकेसी न्यूज़। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीटीसी परिणाम की गड़बड़ी के बारे में। हम जिसे देख पा रहे हैं आज का अपडेट में निकल के आया है, बीटीसी परिणाम में गड़बड़ी पर हाई कोर्ट ने मांगा है जवाब और इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से अपडेट निकल के है। देख लेते हैं पूरी अपडेट। उससे पहले जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही बेल बटन को दबा देना ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं, यहाँ याचिका देख रहे हैं, याचिका अभिप्रार्थक मंजूर और यहाँ हाई कोर्ट ने दिया है। हाई कोर्ट ने बीटीसी तीसरे सेमेस्टर के परिणाम में अनियमितता को लेकर दाखिल याचिका पर जवाब तलब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति संगीता चंद्रा ने अधिवक्ता आशीष सिंह को सुनकर दिया है और साथ ही राहुल व अन्य की इस याचिका को विचाराधीन अन्य याचिकाओं के साथ संबंध करने की कहा है। याचिका में कहा गया है कि गत 16 सितंबर को जारी बीटीसी के तीसरे सेमेस्टर के परिणाम में व्यापक अनियमितता है और यहाँ देख लेते हैं याचिका विचारार्थ मंजूर। शिवकुटी इलाके में रिटायर दरोगा की पीटकर हत्या करने वाले में धमकी देने के आरोप में गिरफ्तार दो आरोपियों को रिमांड निरस्त करने के मजिस्ट्रेट के आदेश के खिलाफ चुनौती याचिका सेशन कोर्ट ने सुनवाई के लिए स्वीकार कर ली है। कोर्ट ने मामले पर सुनवाई के लिए 10 अक्टूबर की तारीख लगाते हुए विपक्षी को नोटिस जारी करने का आदेश दिया गया है। ये कुछ अपडेट निकल के आई थी बीटीसी संबंधित। दोस्तों, यहाँ देख रहे हैं 10 अक्टूबर की तारीख लगाते हुए विपक्षी सुनवाई की है और आगे की अपडेट देखने के लिए एनके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल बटन को दबा दें। फिर नेक्स्ट मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।